मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र में हुई बाप बेटे की जघन्य हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों के शव घर के अंदर लहूलुहान हालत में पड़े पाए गए। डबल मर्डर की सूचना पर SSP भी घटना स्थल पर पहुंच गए। आज सुबह नागफनी इलाके के किसरोल में उस समय सनसनी फैल गई जब घनी बस्ती में एक प्रॉपर्टी डीलर की उसकी बेटी के साथ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या की खबर क्षेत्र में फैली। सूचना मिलने पर थाना नागफनी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घर के अंदर एक दूसरे के नजदीक खून से लथपथ पड़ी बॉडियों की पहचान घर के मालिक और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले नजरुल हसन और उसकी बेटी समरीन के रूप में हुई। दोनों को अज्ञात बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। मौके वारदात पर खून के छींटे दीवारों पर साफ तौर पर नजर आ रहे थे। आसपास के लोगों की माने तो इनका मर्डर देर रात किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे SSP प्रभाकर चौधरी का कहना है कि दोनों को बेरहमी से कत्ल किया गया। हर एंगल से जांच की जाएगी। जल्द ही खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें ऐसा पता चला सर कि हम तीन परिवार रहते हैं यहाँ पर जी, तो लास्ट में इनका परिवार है, शुरू में मैं हूँ, मेरा परिवार रहता है, तो गेट एक ही है जी हाँ। कभी कभी मतलब जब मैं जल्दी आ जाता हूँ ये लोग कुंडी लगा देते हैं, ये लोग जल्दी आ गए तो मैंने कुंडी लगा दी। तो रात ऐसा हुआ, इनकी लड़की जो है ये कुछ लेट नाइट आई किसी परिवार में से, तो हमें पता चला, हमने कहा समरीन आ गई, वो कुंडी लगाती हुई चली गई ऊपर को। उसके बाद जो है फिर हम तो इधर को रह रहे हैं ना रोड पर, तो यहाँ कुत्ते वुत्ते तमाम भाव आमद जामद रहती है, कान पड़ी आवाज़ नहीं आती बाद टाइम। अब जो सुबह ऐसा हुआ कि एक साहब ये जो नजरू भाई हैं जिनका हुआ है, ये सुबह को 6 बजे उठ जाते हैं, करीब 6:30 बजे, मैं तो थोड़ा लेट उठता हूँ, तो ये उठने के बाद ये डस्टबिन में से कूड़ा डाल के और वो अखबार वगैरह पलटते हैं, तो हमें महसूस होता ही रहता है कि वो नजरू भाई उठ गए, समझे। आज ये उठे नहीं, तो एक लड़का आया कोई और वो बेन खटखटाने लगा, करीब 6:30-7 बजे होंगे लगभग, तो वो मैंने ऊपर से देखा, मैंने कहा भाई क्या बात, बोले नजरू भाई से मिलना है, मैंने कहा ठीक है अभी देखता हूँ। मैं नीचे आके मैंने गेट खोल के मैंने कहा भैया सामने रहें देख लो, उसने भी बहुत खटखटाया, मैं टॉयलेट चला गया तो मुझे आवाज़ आती नहीं। वो लौट के फिर आया, आके बाहर खड़ा हो गया, एक साहब से बातें करने लगा मोहल्लेदार से, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ, बोले यार बहुत बार खटखटाया मैंने और वो जवाब नहीं मिल लिया। हमें दिमाग में ये आई, इतनी देर में एक सामने के आई, तो इनकी बहन का फ़ोन आया माहीन का हमारे घर कि भैया समरीन वो नहीं खोल रही है कुंडी और ज़रा देखो क्या हुआ। अब हमें ये सुनते ही हमारे तो देखा, हमने ऊपर से मैंने आवाज़ें मारी, नीचे से मारी, खटखट खटखट, फिर वो बराबर पड़ोस में आ गए हमारे, वो देखा तो वो बहरहाल कुछ नहीं दिख रहा वहाँ अंधेरे में। फिर एक बच्चे को छोटा से अंदर को एंट्री करी, थोड़ा सा गैप है इनके दरवाजे में, बच्चा जा सकता है, वो ज़बरदस्ती घुसड़ा उसे, उसको मोहल्लेदार भी थे सब बराबर में, वो देखा वो भी लौट गया डर के मारे, बोले भैया मैं नहीं जा रही अंदर बाहर। और प्रथम दृष्टिया जो विजिबल है बॉडी पे जो इंजरीज है उससे देख के लग रहा है कि काफ़ी रजिस्ट किया गया है और घाव इतने ज़्यादा हैं कि कुछ इसके पीछे जो भी वजह उस चीज़ की हम लोग जांच करेंगे। और प्रथम दृष्टिया हत्या का मामला, अच्छा कुछ लूट भी हुई सर इनके साथ जी, लूट वगैरह नहीं, ये देखने में लग रहा है कि चूँकि बहुत ही ऐसी फैमिली है कि कोई इतना सामान घर में नहीं है, कुछ वहाँ पे क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है बनाने के लिए कि किसी और तरफ डाइवर्ट हो, लेकिन जो छोटे हैं और जो सारी परिस्थितियाँ बता रही हैं उससे कुछ और चीज़ों की तरफ इशारा हो रहा है, जल्दी वर्कआउट। क्या कुछ रंजिश का भी मामला सामने आया किसी से? अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, कुछ तथ्य मिले हैं पहले भी। प्रॉपर्टी डीलर का तो नहीं पता चला कि कोई पुराने घर या कोई किराए पर देता था या बेचता खरीदता था, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता था उस बिंदुओं पर भी। परिवार वाले बता रहा है समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, पहले नासिक को ऐसे कहीं मर्डर करा था, वो चैन मिला के देख रहा है परिवार वाले। अभी हम सारे तथ्यों की जांच करेंगे इस चीज़ में, अभी तो घटनास्थल पे आए हैं और सारी परिस्थितियां देखी जा रही है निश्चित रूप से।